जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अवैस सलीम और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये वीडियो आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं जो एकदम सियासत ने अंगड़ाई ली है खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इलेक्शन के बाद, और जहां हुक्मरान जमात पीटीआई अपने जख्म चाटने में मसरूफ है, वजूहात ढूंढने की कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है कि जी वो खुद इसका आइंदा जायजा लेंगे क्योंकि टिकटों की जो तकसीम है वो सही नहीं हुई। वहीं ऐसे लगता है कि एकदम जान पड़ गई है ऑपोजिशन के अंदर और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो इशारे दिए जा रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और उनकी बड़ी अहमियत है। सो इन दोनों चीजों पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब जो तौजीहात इस वक्त दे रहे हैं कि जी नहीं नहीं ये जो थी ये शायद हमारे इंटरनल मसाइल थे जिनकी वजह से ये हुआ, उनके वज़रा कुछ कह रहे हैं कि जी महंगाई की वजह से हुआ, कुछ कह रहे हैं कि टिकटों की तकसीम सही नहीं हुई। सो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि एक जमात जो 8 साल में इक्तदार में रही है एक सूबे में, उन्होंने 2 इलेक्शन वहां लड़े हैं, दोनों जीते हैं, हुकूमत बनाई है, एकदम उन्हें जो है वो इतना लाइलमी शुरू हो गई कि उन्होंने जो है वो टिकटें गलत तौर पर देनी शुरू कर दी। सो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ जवाब है। दूसरी बात ये कि हुक्मरान जमात एक फैसला कर ले, या तो पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है या फिर उन्हें शिकस्त महंगाई की वजह से हुई है, ये दोनों चीजें जो है एक वक्त में ठीक नहीं हो सकती। सो ये सिर्फ एक नुक्ता आगाज है। पेशावर और जिन हलकों में ये इलेक्शन हुए हैं ये वो हलके हैं जहां पीटीआई बाकायदा तौर पर न सिर्फ 8 साल से हुकूमत में है बल्कि ये उनके लोगों के स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते हैं। सो आइंदा अब जब इलेक्शन होना है दूसरे मरले में जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा में और फिर मार्च अप्रैल में पंजाब में खास तौर पर, वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है वहां तो एक तरह से पीटीआई, जैसे आपने पिछले ज़मीनी इंतखाबात में देखा, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी नशस्तें भी हासिल कर सकेगी जितनी उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में मिली हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ ये उस्मान बुज़दार और इमरान खान की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान खड़ा कर देगा बल्कि एक हवा जो है वो मुखालिफ सिमत में चलनी शुरू हो जाएगी जो अगले इलेक्शन तक जाएगी। और अब जो ये मिनी बजट तैयार कर रहे हैं वो भी मार्च अप्रैल से पहले पहले आना शुरू हो आ चुका होगा और उसके असरात लोगों तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे जब तक ये बलदियाती इंतखाबात पंजाब में होंगे। अब आप इस पब्लिक सेंटिमेंट को जोड़कर देखें इन खबरों से कि मियां नवाज शरीफ के साथ लंदन में बातचीत हो रही है, वो बार बार इस किस्म के इशारे दे रहे हैं कि हम अनकरीब पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, जो उनकी पार्टी के रहनुमा हैं वो बार बार ये बातें कर रहे हैं। सरदार अयाज सादिक ने तो यहाँ तक कह दिया, अभी वो पिछले दिनों भी लंदन में थे और अब उन्होंने फिर ये कह दिया है कि मैं मियां नवाज शरीफ को लेने लंदन जा रहा हूँ 20 जनवरी को और उनको लेकर ही वापस लौटूंगा। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली जो वीडियोस इस हवाले से की थी उनमें भी यह बताया था कि बातचीत तो कहीं ना कहीं चल रही है लेकिन उस बातचीत में जो एक स्टिकिंग पॉइंट है जहां आकर बातचीत रुक जाती है वो ये है कि अगर अगले इंतखाबात होने हैं तो वो कैसे होंगे, तब्दीली अगर आनी है हुकूमत की तो वो कैसे होगी और उसमें मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का क्या किरदार होगा। और अभी तक बात जो थी वो यहाँ रुकी हुई थी कि क्या मियां नवाज शरीफ का रोल एक्टिव होगा, क्या मरियम नवाज जो है वो हुकूमत बनाएंगी या एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर शहबाज शरीफ साहब को आगे किया जाएगा। तो अब कुछ खबरें इस तरह की आनी शुरू हो गई हैं
कि शायद इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वजीर आजम के तौर पर नामजद कर दिया जाए। शायद खाकान अब्बासी ने भी एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा है कि इस पर बड़ी हद तक इत्तफाक हो गया है। खुर्रम दस्तगीर ने भी ये बात की है। सो ये बातें अब जो निकलनी शुरू हुई हैं, मैं नहीं समझता कि ये नाम जो फ्लोट हो रहा है ये मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर हो। अच्छा, अब अगर ऐसा होगा तो मरियम नवाज का और नवाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल होगा? आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले हमने एक वीडियो की थी, मैंने अपने सीनियर दोस्त माहिद अली साहब के साथ जो वीडियो की थी, मैं उसका लिंक भी नीचे पोस्ट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। उसमें हमने ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, उन्हें केसेस के हवाले से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और मरियम नवाज कोई वजीर बन जाए या इस किस्म का कोई ओहदा मिल जाए और दबाव कम हो जाए उनके ऊपर से, या जो केसेस अब उनके लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके उन पर जो फैसला है और नाअहली है उसके हवाले से, उसमें उनको कोई रिलीफ मिल जाए, तो ये गिव एंड टेक मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो सकता है और ऐसा लगता है कि जो मामलात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। अब जो दूसरा सवाल इसमें खड़ा होता है वो ये है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन वक्त से पहले हो जाए, शायद इन हाउस तब्दीली हो जाए। मैं जाती तौर पर ये नहीं समझता कि मामलात इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि इमरान खान साहब को एक तरह से हीरो बनने का मौका मिलेगा, वो एक जख्मी शेर की तरह अपने हामियों के पास वापस जाएंगे और उनकी एक स्ट्रीट पावर तो बहरहाल है, उसको वो गैल्वेनाइज कर सकेंगे और वो कहेंगे कि ये देखें मेरे साथ धोखा हुआ है, और वो जो मुझे क्यों निकाला वाला पूरा एपिसोड मियां नवाज शरीफ के साथ आपने देखा था वो इमरान खान साहब दोहरा रहे होंगे। और अगर ये हुकूमत आगे चलती है तो आप देखते हैं कि नवंबर 2022 में जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म होना है। मैं ये भी नहीं समझता कि वो ऐसा चाहेंगे कि वो अपना टेन्योर खत्म होने से पहले पहले कोई जो है इस तरह की सिचुएशन में वो मुब्तला हो जाए जहां वो उनको इस तरह की सड़कों पर ऑपोजिशन का सामना हो या मुल्क के अंदर इस किस्म के हालात पैदा हो जाए जिसको उसको उन्हें कंट्रोल करना पड़े और जो चीजें हैं उनको मैनूवर करना पड़े। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगले नवंबर तक तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है। वो ये चाहेंगे कि उनका टेन्योर जो है वो इत्मीनान से खत्म हो जाए और उसके बाद अगर कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो फिर 5-6 महीने ही रह गए होंगे उस इलेक्शन तक, और वो एक तरह से इलेक्शन साइकिल में ना हुकूमती जमात को ना ऑपोजिशन को पता भी नहीं चलेगा और वो टाइम जो है वो गुजर जाएगा। मुस्लिम लीग नून को भी ये सूट करता है कि इस वक्त जो हालात हैं फौरी तौर पर हुकूमत संभालने की बजाय जो गैर मकबूलियत बढ़ रही है इस हुक्मरान जमात की पीटीआई की, इसको वो मजीद बढ़ने दें और बलदियाती इंतखाबात भी इस दौरान में हो जाएं, वो एक तरह से अपना जो सेटअप है अगले आने वाले आम इंतखाबात के लिए वो भी बिछा सकेंगे पंजाब के अंदर, खास तौर पर जो कि सीट ऑफ पावर है फेडरल हुकूमत तक पहुंचने के लिए, और उस बुनियाद पर फिर वो अगले आम इंतखाबात लड़ सकेंगे। प्लस जो हुकूमत के इकदाम हैं जो उनकी अगेंस्ट सेंटिमेंट बढ़ रहा है अवाम में, उसमें भी गुजरते वक्त के साथ मजीद इजाफा होगा और 2023 के इलेक्शंस में अगर वो वक्त पर होते हैं कल्मिनेशन होगी उस सारे सेंटिमेंट की, और उसको मुस्लिम लीग नून या दूसरी अपोजिशन जमातें जैसे आपने अभी खैबर पख्तूनख्वा में देखा मौलाना फजलुर रहमान की जमात को जो अक्सरियत मिली, सो ये जमातें उसको अपने हक में कैश करा सकेंगी। सो मेरा तो ये तज्जिया है कि ये बातचीत जो है इसमें अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून को एक कैरेट दिखा रही है और इलेक्शन में उनको स्टिक का सामना करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने पब्लिक इमेज के बारे में बहुत हसास है, और इस वक्त जो अवाम के अंदर गमो गुस्सा है पीटीआई के खिलाफ
उसका सामना कहीं ना कहीं जो है वो सड़कों पर एस्टेब्लिशमेंट को भी करना पड़ रहा है। लोग खुलेआम फौज का नाम ले रहे हैं कि ये इनको लेकर आए थे, इसलिए जो है हमें इस किस्म की सूरत हाल का सामना है। सो हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज इस वक्त ये चाहती है कि कम अज कम जो बुरे असरात हैं इस फैसले के वो उन तक ना आए और कोई इस तरह का गिव एंड टेक हो जाए, कोई इस तरह का कंसेंसस पैदा हो जाए कि आवाम को कुछ रिलीफ भी मिल जाए, कोई तब्दीली भी आ जाए और उनका जो पब्लिक इमेज है वो भी बरकरार रहे, उस पर कोई जरब ना आए। इस हवाले से जो खबरें हैं और जो तज्जिये हैं वो मैं आइंदा भी आप तक पहुंचाता रहूंगा, लोगों से गुफ्तगू भी होती रहेगी। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।